हजारी, तेरे से शादी करवा के मेरे को क्या मिला? मेरी जिंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी। मैं, मेरे क्या क्या ख्वाब थे, मैंने क्या क्या सपने देखे थे। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई पढ़ा लिखा के साथ मेरी शादी होगी, शहर में होगी, जहाँ मोटर बंगला होंगे और मैं ठाट से रहूंगी। लेकिन लेकिन मेरे को क्या मिला? जूली, सपने तो मेरे भी थे कि मेरी सी पत्नी हो, कि जो मेरी कदर करे, मने इज्जत बोल ले। मेरे अरमान कौन से पूरे हो गए? तू ज्यादा पढ़ी लिखी से तो मेरा किस काम की? अरे तेरे तो अच्छा तो मेरा कोई अनपढ़ आ जानती, मेरी कदर करती, मेरी इज्जत करती। हजारी, तेरे को पता चल गया था अगर मैं तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तब भी तन ये ख्याल नहीं करा अगर मैं क्या कर रहा हूँ। तब तो तन ये सोच लेना चाहिए था अगर मैं कोई अपने बराबर की लड़की देखूं। जूली, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, गरीब हूँ, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हूँ तो आखिर में तेरा पति। अब उस बात को क्या फायदा दोहराने से, के लगेगा इस बात में? तेरे इस मंगलसूत्र ने मैं इस गृहस्थी के पिंजरे में कैद कर दी, जहाँ मेरा दम घुटता है। तने मेरी कदी कदर नहीं समझी, कदे भी मेरे को पति का दर्जा नहीं दिया, हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। मैं तेरा हर अत्याचार सहता रहा कि मेरा घर बस जावे, लोग मेरे पास आंगली न ठावे। हजारी, ये मैं मानती हूँ अगर मैंने तेरी कदर नहीं करी, पति का दर्जा कभी मन से नहीं दिया, लेकिन तने भी तो ये नहीं सोचा अगर मैं किस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। रिश्ते के लिए बराबरी का होना तो जरूरी है, कम से कम तूने अपने बराबर की तो लड़की कोई देखी होती जिससे मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। हाँ जूली, हाँ, अपने ब्याह की ख्वाहिश में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं यो भी भूल गया कि मेरी औकात किस है। किसी ने ठीक कहा है जूली जी, तू कौन है मैं कौन हूँ इस बात से ना डर, तू कौन है मैं कौन हूँ इस बात से ना डर, जा तुझको माफ कर दिया तू मुझको माफ कर। देखो हजारी जी, मेरे को जी मत कहो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। जी लाने से इज्जत थोड़ी बढ़े से, इज्जत समान तो मानस के मन में हो सबावड़ी, मन में। हाँ तो प्रेमी सजना, अब हजारी और उसकी पत्नी जूली का आपस में समझौता हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहने लग जाते हैं।